डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कह रहा डिपेंड करता है कि जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो वो क्या कोई रेगुलर अमाउंट है, कि हर महीने 5,000 विड्रॉ हो रहा है, हर 6 महीने में 4,000 विड्रॉ हो रहा है, हर मंथ में बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स हैं तो कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब अप्रैल में आपने 10,000, फिर जुलाई में 5,000, फिर अगस्त में 2,000, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। रैंडमली आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, रैंडमली आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, इरेगुलर ड्रॉइंग्स हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन, तो मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ड्रॉइंग्स इरेगुलर हैं या रेगुलर हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ठीक है करके बात करते हैं। व्हेन द ड्रॉइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखना। अगर इरेगुलर है तो अलग, और अगर रेगुलर है, अगर इरेगुलर है तो हम किस मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से, और अगर रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे विड्रॉ हो रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। तो दो मेथड्स हैं, एक प्रोडक्ट मेथड और एक एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, यूज्ड व्हेन द ड्रॉइंग्स आर इरेगुलर, जी कब होता है, रेगुलर मतलब सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, मंथली क्वार्टरली कुछ भी। तो एक एक करके बात करते हैं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है, व्हेन एन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, जैसे कि मैंने बताया जुलाई में कुछ, अगस्त में कुछ, इरेगुलर अमाउंट। इसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। तो ऑब्वियसली हमें कौन सा करना है, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा, इरेगुलर अमाउंट्स इरेगुलर इंटरवल, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोडक्ट मेथड, तो उसमें दोनों से करके दिखाऊंगा कि सिंपल मेथड कैसे होता है, प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, ताकि ये पता चले कि सिंपल मेथड क्यों नहीं यूज करना एडवाइजेबल है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना क्यों एडवाइजेबल है, ध्यान से देखेंगे। तो क्या है डेट, 1 मई 22, 1 अगस्त 22, 30 सितंबर 22, 31 जनवरी 23, 31 मार्च 23, अमाउंट 2,000, 5,000, 2,000, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2000, 31 मार्च, सॉरी दो जनवरी भी है, ठीक है 31 जनवरी 31 मार्च, कोई डाउट अभी तक। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मंथ्स, अगर आपने 1 मई को पैसे विड्रॉ करे हैं तो कितने पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मई ऑनवर्ड्स, तो अभी इससे पहले क्या निकला होगा, सिर्फ अप्रैल ही निकला है, तो कितने मंथ्स का हो जाएगा, 11। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, अगर इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम है, 15% पर एनम, तो क्या हो जाएगा, 2,000 का 15% फॉर 11 मंथ्स। तो ऐसे एक एक करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2,000 का 15% 11 मंथ्स, तो कितना आया, 275। 1 अगस्त को अगर करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स, तो 5,000 का 15% फॉर 8 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 30 सितंबर है तो सितंबर काउंट नहीं होगा, बी केयरफुल। तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 का 15% 6 मंथ्स,
नंबर ऑफ मंथ्स 31 जनवरी, 31 जनवरी आप बोलेंगे नंबर ऑफ मंथ्स कितने कितने मंथ्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? जनवरी कितने? 10, 12, 15 आंसर होता है ना, गुड। तो 6,000, 15% 2 months, जीरो। 31 मार्च है अगर तो जीरो, पीरियड क्या हो गया? जीरो, आप डायरेक्टली जीरो भी लिख सकते हो। तो बेसिकली एक एक करके आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल मेथड, लंबा पड़ जाता है। अगर बहुत सारी एक ही ड्राइंग्स होती तो सिंपल मेथड यूज करो, लेकिन बहुत सारी हैं तो अभी चलो पहले ये तो कैलकुलेट करें ताकि कंपेयर करेंगे ना कि दोनों से सेम आया कि नहीं आया। 500, 2000, 15%, 150,000, 15%, 150, 2000, 15%, 0। तो टोटल कितना आया? 775 प्लस 300, 1075। ये था सिंपल मेथड। तो लेकिन उन्होंने क्या बताया आपको, क्या यूज करना चाहिए आपको? प्रोडक्ट मेथड। अब ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा। तो डेट्स ले लेते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट में, फर्स्ट अगस्त, 30th सितंबर, 31st जनवरी, फिर 31st मार्च। अमाउंट 25262, 25262, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st मार्च 23, 11862, आप ध्यान से देखना, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट सीधा नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 × 11 = 22, 5 × 8 = 40, 2 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, 0। प्रोडक्ट निकाला, 62, 64, 74, 76, 86। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट निकला, जो भी आपका प्रोडक्ट निकला, आप उसका 1 month का इंटरेस्ट निकाल दो। तो वो डेरिवेशन है कि जो भी आपका प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट कैसे निकला समझ आ गया कि जो अमाउंट जितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था, प्रोडक्ट निकाला उसका 1 month का इंटरेस्ट निकाल दो बस। तो 86,000 का 15% फॉर 1 month, 1075। तो आपकी कैलकुलेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई। प्रोडक्ट मेथड क्लियर, इजी है बहुत, बट यूज कब होगा? व्हेन इररेगुलर अमाउंट्स आर विथड्रॉन एट इररेगुलर इंटरवल्स। कोई डाउट?